हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ। प्रीवियस डे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ओके। मगर उनसे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन पढ़े थे उनसे और इनका बेहतर स्टैंडर्ड है। ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन जो कल हमने आप लोगों को बताए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्वेश्चन, इफ कॉस इनवर्स रूट पी प्लस कॉस इनवर्स रूट वन माइनस पी प्लस कॉस इनवर्स रूट वन माइनस क्यू विच इज इक्वल 3π/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। क्लियर? 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सम एक अदर एंगल के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड में है। जो कंडीशन आपके पास गिवन दैट में है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एक रिजल्ट फाइंड करना है और वो वैल्यू है आपके पास क्यू की। अननोन क्वांटिटी क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे कॉस इनवर्स रूट पी प्लस कॉस इनवर्स रूट वन माइनस पी प्लस कॉस इनवर्स रूट वन माइनस क्यू विच इज इक्वल 3π/4। ये जो रिजल्ट है आपके पास कॉस इनवर्स रूट वन माइनस पी, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये कॉस इनवर्स में इसे आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। इज इंप्लाइज दैट कॉस इनवर्स रूट पी प्लस कॉस इनवर्स एक्स को आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए। कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपके पास फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड। क्लियर? कॉस इनवर्स एक्स के अकॉर्डिंग इन प्लेस ऑफ एक्स हियर रूट वन माइनस पी। क्लियर? जब इसे आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स रूट वन माइनस इन प्लेस ऑफ एक्स, ये पूरा फैक्टर है आपके पास रूट वन माइनस पी। इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ क्वांटिटी है आपके पास एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ एक्स रूट वन माइनस बी, इसका स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट एलिमिनेट हो जाएगा, इसे आप ब्रैकेट में राइट कर दीजिए वन माइनस बी। जिसकी वैल्यू फाइंड करना है वो है अननोन क्वांटिटी क्यू, उसे आप एज इट इज रहने दीजिए, विच इज इक्वल 3π/4। क्लियर?
कॉस इनवर्स रूट पी प्लस साइन इनवर्स, इसे जब कैलकुलेट करेंगे आप तो रूट वन माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस वन माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस, क्लियर, प्लस कॉस इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस क्यू एज इट इज विच इज इक्वल थ्री पाई अपॉन फोर, क्लियर, इज इंप्लाइज दैट कॉस इनवर्स रूट पी प्लस, इसे कैलकुलेट करेंगे प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ये रिजल्ट मिलेगा आपको साइन इनवर्स रूट पी प्लस कॉस इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस क्यू एज इट इज विच इज इक्वल थ्री पाई अपॉन फोर, क्लियर। यहां आप देखिए एक आइडेंटिटी मेक हो रही है आपके पास, कॉस इनवर्स रूट पी प्लस साइन इनवर्स रूट पी, जो आपके पास पहले से ही फॉर्मूला है, सिंस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल पाई अपॉन टू, ये आपको पहले ही बता दिया गया आपके पास है। इस आइडेंटिटी को दैट मीन्स इस फॉर्मूले को आप यहां यूज करेंगे तो यहां इन प्लेस आप एक्स है रूट पी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाई अपॉन टू प्लस कॉस इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस क्यू विच इज इक्वल थ्री पाई अपॉन फोर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू फाइंड करना है, जो क्वेश्चन आपका लिखा है वो एज इट इज आपके पास है। नेक्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन की जो आप देखेंगे, कॉस इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस क्यू एज इट इज पाई बाई टू ट्रांसफर कर दीजिए, थ्री पाई अपॉन फोर माइनस पाई अपॉन टू इज इंप्लाइज दैट कॉस इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस क्यू विच इज इक्वल, यहां एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, फोर एंड टू एलसीएम मिलेगा आपको फोर, ये रिजल्ट मिलेगा आपके पास थ्री पाई, ये मिलेगा आपको टू टू जा फोर माइनस पैसा पाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूलों को अप्लाई करते हुए आप चल रहे हैं, कॉस इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस क्यू विच इज इक्वल थ्री पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई विच इज इक्वल पाई अपॉन में आपके पास फोर, बोथ साइड आप कॉस रूल अप्लाई कर सकते हैं, कॉस इन ब्रैकेट्स कॉस इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस क्यू विच इज इक्वल कॉस पाई अपॉन फोर। जो क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखेंगे इसे आप, कॉस कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल एक्स, इन प्लेस ऑफ एक्स हियर रूट वन माइनस क्यू, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको रूट वन माइनस क्यू विच इज इक्वल कॉस पाई बाई फोर, दैट मीन्स कॉस 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू आपको पहले से ही पता है वन अपॉन रूट टू। जो स्टेप अभी आपको फाइंड हुई है जिसमें आपको अननोन क्वांटिटी क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर, बोथ साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो आप पाएंगे यहां रूट इलिमिनेट हो जाएगा, चाहे तो आप एक स्टेप में से इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं विच इज इक्वल वन अपॉन रूट टू होल स्क्वायर, यहां स्क्वायर रूट इलिमिनेट हो जाएगा, रिजल्ट मिलेगा आपको वन माइनस क्यू, राइट हैंड साइड में मिलेगा वन बाई टू, जिस वैल्यू को फाइंड करना है उसे आप देख लीजिए, क्यू ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड की क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, वन माइनस वन बाई टू विच इज इक्वल ये क्यू, दैट मीन्स
जो q की वैल्यू है 1 माइनस 1 बाई टू, दैट मीन्स आपको मिलेगी वैल्यू 1 बाई टू। आपने अननोन क्वांटिटी q की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन जो आप देख रहे थे, 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का सम एक अदर एंगल, क्योंकि आपको पहले से ही पता है ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर एंगल्स, दैट मीन्स 3 एंगल का सम, अननोन क्वांटिटी जो थी आपके पास q, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए कहा गया था, एक रिजल्ट आपके पास गिवन दैट में था, उस रिजल्ट को आप लेकर चले और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फार्मूले अप्लाई करते हुए आपने उस अननोन क्वांटिटी q की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। पहले क्या किया आपने, एक फैक्टर आपके पास, यहाँ डबल फैक्टर थे इन टर्म्स ऑफ p, ये सिंपल फैक्टर था cos इनवर्स रूट p, आपने इसे वैसे ही रहने दिया। जो अदर रिजल्ट था वो भी आपके पास था, मगर इससे डिफिकल्ट था, तो आपने इसको sin इनवर्स में कन्वर्ट करने का प्रयास किया, और sin इनवर्स में जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट किया तो आपके पास एक फार्मूला मेक हो गया, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल पाई अपॉन टू। यहाँ पर इसको ट्रांसफर करते हुए आप आगे चले, कैलकुलेशन किए, अननोन क्वांटिटी को आप फाइंड आउट करते रहे, जिसकी वैल्यू फाइंड करना है उसे आपने वैसे ही रहने दिया है, और लास्ट तक कैलकुलेशन करते करते एक न्यू रिजल्ट ऐसा मिला आपको, वो खुद ही कहती है स्टेप कि अब आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया है, ऐसे ही हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सिलेक्ट करेंगे। जो वैल्यू अभी आपने फाइंड किया है उसको आप देख रहे हैं, जो रिजल्ट आपके पास है, कल कुछ रिजल्ट हमने पढ़ा था, इफ साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल, जो रिजल्ट है आपके पास टेन इनवर्स ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, देन प्रो दैट जो रिजल्ट है आपके पास प्रो करने के लिए वो है x की वैल्यू x इक्वल a प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास है, जो इसके पहले आपने सॉल्व किया था, उसे भी ऐसा पूछा जा सकता है, जो रिजल्ट गिवन दैट में था जिसमें देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q, q ना कहते हुए देन प्रो दैट q इक्वल वन बाई टू। जैसे इसमें आपको एक रिजल्ट गिवन दैट में है, इस रिजल्ट को देखते हुए एक रिजल्ट, न्यू रिजल्ट आपको प्रो करने कहा गया है x के अकॉर्डिंग, x इक्वल ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। इसमें यह भी कह सकता था देन प्रो दैट के स्थान पे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और वो x की वैल्यू a और b के टर्म में ही आती है आपके पास। क्लियर? इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला वर्क ये होता है कि जो गिवन दैट वाली कंडीशन है उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की आप पहले स्टडी कीजिए और देखिए क्या इनसे रिलेट कोई फार्मूला आपने पढ़ा है क्या, और यदि पढ़ा है तो उसे आप पहले राइट करके देख लीजिए। आपको पता है ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स a, tan इनवर्स x का फार्मूला आपने देखा था 2 tan इनवर्स x, टेंजेंट के फॉर्म में भी था, साइन के भी फॉर्म में था और कॉस के भी फॉर्म में था। दैट मीन्स अगर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन इनवर्स में चाहिए तो
तो साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कॉस के टर्म में चाहिए तो विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टेंजेंट के भाव में टेन इनवर्स ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूले आपके पास है ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स के अकॉर्डिंग, जिनको आपने प्रो भी किया है, ऐसा क्वेश्चन भी वो पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स ए को राइट कर सकते हैं आप साइन के टर्म में देखेंगे तो साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स बी इक्वल कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर। एंड जो जो टर्म लिखी हुई है उसको आप देख रहे हैं, ये फार्मूला जो साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर है ये ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स ए के इक्वल है, कॉस इनवर्स वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर ये ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स बी के इक्वल है। राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट लिखा है उसको देखेंगे आप तो ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टेन इनवर्स ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो रिजल्ट यहाँ मैंने आपके सामने राइट करके रखा हूँ ये तीनों रिजल्ट आपके पास उस गिवन वाली कंडीशन में है। तो सिंस वी हैव साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टेन इनवर्स ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो रिजल्ट आपके पास गिवन दैट में था, इस रिजल्ट में ये वैल्यू यहां पर आप ऊपर देख रहे हैं, ये सारी वैल्यू मैंने आपको लिख करके दी है और ये वैल्यू अब इसके प्लेस में रखेंगे तो आप क्या पाएंगे उसको देख लीजिए। आपके पास साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स ए कॉस इनवर्स वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू राइट कर सकते हैं आप प्लस ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स बी और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू राइट की हुई है जो कि टेन इनवर्स ट्वाइस ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है जिसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इक्वल के बाद ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। जो अभी स्टेप आपको फाइंड हुई है उस स्टेप को आप ध्यान से देखिए, टू कॉमन है इन ब्रैकेट्स टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी विच इज इक्वल ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये टू अपॉन में आएगा टू बाई टू वन में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट स्टेप जो फाइंड होगी आपको वो होगी टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी विच इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स। अब ये जो स्टेप आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की जिसके टर्म में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई विच इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, ये फार्मूला आपने पहले ही पढ़ा है, क्लियर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इन प्लेस ऑफ एक्स हियर ए इन प्लेस ऑफ वाई हियर बी, यहां पर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी विच इज इक्वल टेन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, या तो डायरेक्ट यहां भी टेन इनवर्स है यहां भी टेन इनवर्स है तो एक्स इक्वल ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी राइट कर सकते हैं, और अगर ऐसा राइट नहीं करना है मान लीजिए तो आप बोथ साइड टेन रूल अप्लाई कर लीजिए, टेन टेन इनवर्स इन ब्रैकेट ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी विच इज इक्वल टेन इन ब्रैकेट्स टेन इनवर्स एक्स। चाहे तो आप डायरेक्ट राइट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मगर यदि आप ये अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपके पास टेन टेन इनवर्स एक्स
विच इज इक्वल एक्स, इस टाइप का फॉर्मूला मेक हो गया है। यहाँ भी टेन टेन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल एक्स, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इन प्लेस ऑफ एक्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू मिलेगी आपको ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, विच इज इक्वल राइट हैंड साइड में मिलेगा एक्स, दैट मीन्स एक्स इक्वल ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। आपको क्वेश्चन में ये प्रो करने कहा गया था तो आप नीचे प्रो लिख दीजिए। अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स तो आप यह आंसर लिख देंगे, जो रिजल्ट आपको कैलकुलेशन के बाद फाइंड हुआ है वही लास्ट रिजल्ट है आपके पास। वन बाय वन आप देखते चल रहे हैं, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, क्लियर। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको इस बात को कहते जा रहा हूं, इनको आप एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार कीजिए। ये कई बार आपकी बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को ही हम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ा था, उसी से रिलेट एक क्वेश्चन आपके पास मैं दे रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन है आपके पास साइन ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स माइनस थ्री अपॉन फाइव। एक क्वेश्चन है जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख रहे हैं साइन इन ब्रैकेट्स ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट में आपके पास में माइनस थ्री अपॉन फाइव। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट्स माइनस थ्री अपॉन फाइव, फार्मूले कंफ्यूजन में नहीं चाहिए, फार्मूले आपको एग्जैक्ट चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, देखने के बाद सोचिए कि हम कहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमें ऐसा लग रहा है ये जो फैक्टर आपके पास लिखा हुआ है जिसे मैंने पॉइंट आउट किया है कॉस इनवर्स माइनस थ्री अपॉन फाइव, तो डेफिनेट है कि पहले आपको ये फार्मूला पता हो कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल क्या होता है, क्लियर। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो इस क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टेप आप राइट कर लेंगे, क्लियर, ओके। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जबकि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, और इसी के सिमिलर अगर कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो वो भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स मिलेगा। अगर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो वो भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स मिलेगा। थ्री सिक्स फार्मूलों के ग्रुप में थ्री सेम टाइप एंड थ्री सेम टाइप, साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स, ये सिंपल है बिल्कुल, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा आपने पढ़ा था, तो माइनस कॉस थीटा नहीं होता, कॉस माइनस थीटा दैट मीन्स कॉस थीटा लिखते थे आप, यहां पर वैल्यू चेंज है। इसको प्रो करके भी आपको बताएं उसी बेसिस पर जो इलेवेंथ में आपने फार्मूले पढ़े हैं, ये सारे क्वेश्चन के रूप में आपके पास में है, क्योंकि ये भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रो करने के लिए पूछे जा सकते हैं। कई बार तो ये ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं और कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, इसका एक ऑप्शन कॉस इनवर्स एक्स भी रहेगा। अगर धोखे से आपने मिस्टेक कर दिए कंफ्यूजन हो गया तो आपका ये सिचुएशन रॉन्ग हो सकता है, इसलिए फार्मूले मस्ट है कि आपके पास करेक्ट हो। यहां पर नेक्स्ट स्टेप में साइन एज इट इज टू एज इट इज, और ये जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स टाइप का सिचुएशन है इन प्लेस ऑफ एक्स ईयर थ्री अपॉन फाइव, इसे राइट कर सकते हैं आप पाई माइनस कॉस इनवर्स थ्री अपॉन फाइव। जो फार्मूला आपने यूज किया है उसे आपने यहां राइट करके दे दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में साइन एज इट इज
ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ट्वाइस ऑफ पाई माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 3/5। अब फिर आप इलेवेंथ में चलिए, 2 पाई रेडियन दैट मीन्स 360 डिग्री 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस के सिचुएशन में आप चलेंगे, साइन के सिचुएशन में चलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, और 360 माइनस थीटा वाले सिचुएशन में साइन साइन में ही कन्वर्ट होता है, तो साइन 360 डिग्री 2 पाई रेडियन दैट मीन्स 360 डिग्री माइनस थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा, ये पूरी क्वांटिटी आपके पास ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन 360 माइनस थीटा दैट मीन्स 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा हियर ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब दिक्कत कहाँ आ गई हमारे सामने, बाहर ब्रैकेट के बाहर देखेंगे तो साइन है और अंदर जो देखेंगे वो सिचुएशन आपके पास है। अब ये जो लिखा है ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, चाहे तो पहले आप इसे सॉल्व करने के लिए कॉस ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, माइनस एज इट इज साइन एज इट इज, और आपको यह पता होना चाहिए सिंस वी नो दैट ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल, या तो इसको आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये फार्मूला आपके पास प्रूव भी कराया गया है, ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस फॉर्मूले को अगर यहां पर अप्लाई करेंगे तो यहां तक तो सिस्टम सेम है, इक्वल माइनस साइन साइन सेम है, ब्रैकेट में आप देखेंगे ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ एक्स हियर 3/5, 2 × एक्स स्क्वायर मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, 3² 9 5² 25 और ये माइनस 1। अब इसका करेंगे आप कैलकुलेशन, माइनस एज इट इज साइन इन ब्रैकेट्स कॉस इनवर्स, यहां कैलकुलेशन करेंगे आप 9² 18/25 ये हो गया एलसीएम, माइनस यहां पे अपॉन में कुछ नहीं तो आपके पास ये 1 है, ये आ जाएगा 25। माइनस एज इट इज साइन एज इट इज कॉस इनवर्स, कैलकुलेशन में फिर अगेन देखें आप माइनस 25 और यह है आपके पास प्लस 18, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा -7/25। फिर से आपका वही फार्मूला मेक हो गया, देख लीजिए आप कॉस इनवर्स माइनस एक्स विच इज इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस साइन एज इट इज, इसे आप क्या राइट करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स दैट मीन्स पाई माइनस कॉस इनवर्स इन प्लेस ऑफ एक्स 7/25। अब फिर आपका इलेवन का फार्मूला मेक हो गया, साइन माइनस साइन तो एज इट इज रहेगा, साइन पाई रेडियन दैट मीन्स 180 डिग्री 180 माइनस थीटा, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आर एंगल्स दैट मीन्स कॉस इनवर्स 7/25 ये एंगल की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव साइन में ही कन्वर्ट, इस सिस्टम में माइनस एज इट इज साइन में ही कन्वर्ट होगा, साइन थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा कॉस इनवर्स 7/25। अब आपके सामने दिक्कत क्या खड़ी हो गई, ब्रैकेट के बाहर साइन और अंदर है कॉस इनवर्स, अब जब तक आप कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, साइन एज इट इज साइन इनवर्स आपको पता है फार्मूला
cos इनवर्स x विच इज इक्वल साइन ऑफ इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ x हियर 7/25। दैट मीन्स इसे क्या राइट करेंगे आप, साइन इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इन प्लेस ऑफ x 7/25। 7 square 49, 25 square 625। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी थी वो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, दैट मीन्स विच इज इक्वल माइनस एज इट इज साइन साइन इनवर्स एक्स, चाहे तो इसे आप एक स्टेप में और सॉल्व कर लीजिए, साइन एज इट इज साइन ऑफ इनवर्स, इसे कैलकुलेशन करेंगे 625, ये एलसीएम 625 माइनस 49 माइनस साइन साइन ऑफ इनवर्स, ये जो रूट में क्वांटिटी आपको मिल रही है 15 माइनस 9 6 11 माइनस 4 दैट मीन 7 और ये मिल जाएगा आपको 5 अपॉन 6 टू 5 माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 576 का तो ये मिलेगा आपको 24 और 625 का स्क्वायर रूट फाइंड होगा आपको 25। अब फार्मूला में एक हो चुका है आपके पास साइन साइन इनवर्स एक्स, साइन साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल एक्स, दैट मीन्स माइनस साइन साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल एक्स, दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ एक्स हियर 24 अपॉन 25, तो इसकी वैल्यू फाइंड होगी 24 अपॉन 25। जिस क्वेश्चन को आप लेकर चले थे उस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट आपके पास माइनस 24 अपॉन 25, क्लियर। जो अभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं सिमिलर क्वेश्चन आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके पास में। अब हम जो कल क्वेश्चन पढ़े थे राइट इन सिंपलिस्ट फॉर्म, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आज हम ले लेते हैं। सिंपलिस्ट फॉर्म के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, उसका रीजन भी है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ने मिलेंगे। जो क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखा है जिसे आपको कहा गया है कि राइट इन सिंपलिस्ट फॉर्म टेन इनवर्स इन ब्रैकेट्स 1/√x² - 1, क्लियर। इस क्वेश्चन को डिफरेंशियल कैलकुलस के अकॉर्डिंग ऐसा पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इंटीग्रेशन में पूछा जा सकता है फाइंड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्वेश्चन यहां तो आप पढ़ ही रहे हैं इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, मगर ये सारा चैप्टर आपके डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस का बेस है। इसे जब आप सिंपलिस्ट फॉर्म में राइट करेंगे तो आप यहां देखिए कि कोई ना कोई वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला मेक हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला जो मेक होगा उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप लोगों ने कुछ ऐसे फार्मूले पढ़े हैं 11th में,
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे अगर आप देखेंगे तो जो रिजल्ट आपको फाइंड होगा, अगर आप देखें तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और यहां से यदि आप देखेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन इनवर्स ब्रैकेट के बाहर है, टेन और कॉट का रिलेशन चलते ही रहता है, तो ज्यादा बेस्ट है कि हम इस फार्मूले को देखें और इन प्लेस ऑफ एक्स अगर कोसेक थीटा पुट करते हैं आप, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ये कॉट स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉट थीटा फाइंड हो जाएगा, और वन अपॉन कॉट थीटा ये टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल थीटा फाइंड होगा, और थीटा की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट किए हैं उससे आपको कोसेक इनवर्स एक्स फाइंड हो जाएगी। अगर आप यहाँ मान लीजिए ये फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते और आप सेक थीटा पुट करते एक्स इक्वल, तो थीटा इक्वल सेक इनवर्स एक्स फाइंड होगा, तो यहाँ क्या रिजल्ट मिलता आपको, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन आपको मिलेगा टेन स्क्वेयर थीटा, टेन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर रूट मिलेगा आपको टेन थीटा, और वन अपॉन टेन थीटा मिलेगा आपको कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा को आपको टेन में कन्वर्ट करना पड़ता। तो इसमें ज्यादा बेस्ट है कि आप इस रिजल्ट को अप्लाई करते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दैट मीन्स पुट एक्स इक्वल कॉसेक थीटा इज इंप्लाइज, अगर आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल कॉसेक इनवर्स एक्स, और यदि नहीं तो कॉसेक इनवर्स बोथ साइड रूल अप्लाई कीजिए, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, जिसकी वैल्यू होगी ओनली थीटा, तो थीटा इक्वल कॉसेक इनवर्स एक्स वैसे ही आपको मिलेगा। इस रिजल्ट को देखते हुए जिसको सिंप्लीफाई करना है उसे आप राइट करेंगे, सो टेन इनवर्स वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन विच इज इक्वल टेन इनवर्स इन ब्रैकेट्स वन अपॉन रूट ऑफ इन प्लेस ऑफ एक्स वी पुट कोसेक थीटा, ये मिल जाएगा आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अभी आपको फार्मूला बताया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जिसकी वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा है, तो वन अपॉन रूट ऑफ ये लिखेंगे आप कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पर चाहे तो आप रीजन लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, वन अपॉन रूट ऑफ टेन इनवर्स एज इट इज इन ब्रैकेट्स वन अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट मिलेगा आपको कॉट थीटा, और ये आपको पता है टेन इनवर्स एज इट इज वन अपॉन कॉट थीटा ये होगा आपके पास टेन थीटा, और टेन इनवर्स टेन थीटा विच इज इक्वल थीटा, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड करके रखा है, जो सब्स्टिट्यूट किया था आपने, जो सब्स्टिट्यूशन किया था आपने कि थीटा की वैल्यू वहां आपको फाइंड हुई थी कोसेक इनवर्स एक्स, दैट मीन्स ये फाइनली आपको मिलेगा कोसेक इनवर्स एक्स। जो क्वेश्चन आपके पास राइट किया हुआ था वो क्लिष्ट फॉर्म में था, डिफिकल्ट फॉर्म में था, जिसको सिंप्लीफाई करते हुए उसका एक फैक्टर आपने फाइंड किया कोसेक इनवर्स एक्स। जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे तब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फार्मूले आपको राइट कराए जाएंगे, और राइट करने पर इसका कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल फार्मूला आपके पास रहेगा। इसको आप सॉल्व करते तो काफी डिफिकल्ट था फंक्शन ऑफ फंक्शन में, मगर इसको सिंप्लीफाई करके चलेंगे आप और लास्ट जो एक सिंपल फैक्टर मिलता है उससे आप उसको डिफरेंशिएट और इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अभी आपने जिस क्वेश्चन को देखा था सिंप्लीफाई करने के लिए, ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और सिलेक्ट करते हैं।
राइट इन सिंपलिस्ट फॉर्म. ये सिंपलिस्ट फॉर्म के मैक्सिमम क्वेश्चन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व कीजिए. उसका रीजन केवल एक है कि ये क्वेश्चन फिर से आपको डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ने मिलेंगे. क्लियर. टैन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है आपके पास क्वेश्चन जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है. दैट मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है. क्लियर. ओके. अब आप देखिए क्या आपके पास इलेवेंथ का बेस है या नहीं. इस फार्मूले को मैं पॉइंट आउट किया हूं, उसको देखिए. वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा. यहां पर इन प्लेस आप एक्स अगर आप टेन थीटा पुट करेंगे तो ये आइडेंटिटी मेक हो जाएगी. अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी दिख रहा है आपके पास वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा. दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ एक्स वी पुट कॉट थीटा. ये दोनों सब्स्टिट्यूशन इसमें चल सकते हैं, दोनों से एक सिंपलिस्ट फॉर्म आपके पास आएगा. उस सिंपलिस्ट फॉर्म को अपन देखें. अगर हम मान लीजिए एक्स इक्वल टेन थीटा पुट कर रहे हैं, ये इलेवंथ के ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के फॉर्मूले अगर आपको लर्न है, क्योंकि आपने टेंथ में भी पढ़ा है, इलेवंथ में आपने रिपीट किया है. अगर ये आइडेंटिटी आपके पास नहीं है तो आप सोच नहीं पाएंगे कि हम बहुत ध्यान से देखिए फार्मूला मेक करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई सिचुएशन मिलता है. बस यहां पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए एक्स इक्वल टेंजेंट ऑफ थीटा. सो थीटा इक्वल टेन इनवर्स एक्स. अब इस क्वेश्चन को जिसे आपको सिंप्लीफाई करना है उसे आप राइट कर लीजिए. क्लियर. राइट करने के बाद आप देखेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स वी पुट टेन इनवर्स एज इट इज रूट ऑफ वन प्लस इन प्लेस ऑफ एक्स वी पुट टेंजेंट ऑफ थीटा, ये मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स पुट करेंगे आप टेन थीटा. यहां पर आप देखेंगे टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा आपको सेक स्क्वायर थीटा. टेन इनवर्स इन ब्रैकेट्स रूट टेन सेक स्क्वायर थीटा और टेन थीटा एज इट इज. अब चलते जाइए टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट मिलेगा आपको सेक थीटा, फिर आपको मिलेगा प्लस ये टेंजेंट ऑफ थीटा. आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, अब साइन कॉस में इसको ब्रेक करना पड़ेगा. टेन इनवर्स एज इट इज वन अपॉन कॉस थीटा और प्लस टेन थीटा को राइट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब यहां एलसीएम लेकर आप इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर इसे आप सॉल्व करेंगे, क्या फाइंड होगा आपको, विच इज इक्वल टेन इनवर्स एज इट इज एलसीएम मिलेगा आपको कॉस थीटा, और न्यूमेरेटर में रिजल्ट आ जाएगा आपके पास वन प्लस साइन थीटा. अब ये जो क्वेश्चन अभी आपके सामने ब्रैकेट में राइट किया हुआ है इसे हमने कल ही सॉल्व किए हैं. इसकी वैल्यू आपको पता है कि आप वन प्लस साइन थीटा के लिए आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए. आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 यानी पाई बाई टू माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, और अपॉन में जो कॉस थीटा लिखा है इसे आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए. साइन ऑफ 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा. इस स्टेप में आप देखेंगे टेन इनवर्स एज इट इज है आपके पास वन प्लस कॉस थीटा, जिसका फार्मूला आपके पास इलेवन से है, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, यानी ये थीटा की वैल्यू है पाई बाई टू माइनस थीटा, उसके अपॉन में टू, तो ये मिलेगा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, और अपॉन में देख रहे हैं साइन थीटा. साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई टू, इन प्लेस ऑफ थीटा है पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा बाई टू, तो ये मिलेगा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, और इन टू में मिलेगा आपको
कैसा आप साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, ये मिलेगा कॉस थीटा बाई टू दैट मीन्स पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। इस रिजल्ट को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन इनवर्स टू से टू कैंसिल, कॉस स्क्वेयर पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू और अपॉन में कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, एक फैक्टर यहाँ कैंसिल होगा तो मिलेगा आपको कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू और अपॉन में होगा साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। अब आपके पास जो रिजल्ट है जिसे आप सिंपलिस्ट फॉर्म में राइट कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या राइट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टेन इनवर्स एज इट इज इन ब्रैकेट्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बन जाएगा आपके पास कॉट थीटा इन प्लेस ऑफ थीटा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। अब टेन इनवर्स ब्रैकेट के पहले है, ब्रैकेट में जो राइट किया हुआ है कॉट की टर्म में, जब तक आप ब्रैकेट की टर्म को टेन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आपका फार्मूला ही मेक नहीं होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लर्न दिए आपको है तो। इसे लिखेंगे आप टेन नाइन्टी दैट मीन्स पाई बाई टू माइनस थीटा पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू, ये इन प्लेस आप थीटा राइट किया हुआ है। बस आपके पास दो स्टेप बची हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन का रिजल्ट आपके पास होगा टेन इनवर्स टेन थीटा। आप चाहें तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, टेन इनवर्स टेन पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर, ये रिजल्ट मिलेगा आपको पाई बाई फोर माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस और ये मिलेगा आपको थीटा बाई टू। यहाँ सेल्फ एडजस्टिंग फार्मूला मेक हो चुका है, टेन टेन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स हियर पाई बाई फोर माइनस एक्स थीटा बाई टू, दैट मीन्स ये रिजल्ट होगा पाई बाई फोर प्लस थीटा बाई टू। अब थीटा की वैल्यू जो सब्सटीट्यूट किया था आपने, वैल्यू क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट किया था, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप यहां पर रिजल्ट में क्या लिखेंगे, आपने एक्स इक्वल टेंजेंट ऑफ थीटा सब्सटीट्यूट किया था तो आप उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये टेन इनवर्स एक्स के अकॉर्डिंग आप इसको राइट कर सकते हैं। ओके क्लियर, थैंक्स।